मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मैं हूँ आपकी पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो अब मैं रेडी हुई थी, जैसे कि आज संडे है तो सबको हैप्पी संडे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो रेडी हुई थी प्रभु के घर जाने के लिए, संडे था, गुरदासपुर ब्रांच में जाने के लिए तैयार हुए थे हस्बैंड वाइफ। तो जाते जाते आज फिर से रह गए कुछ ना कुछ, जो शैतान है ना अपनी चाल फेंकता है हम विश्वासियों के ऊपर, कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करता है। तो अच्छे भले हम निकल पड़े थे, मैंने लॉक वगैरह सब कुछ लगा दिया था और गाड़ी पे जाने वाले थे, गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी, और जाते जाते पीछे से किसी ने ऐसा संदेश दिया जिसके कारण सब हमें रुकना पड़ा और अब हम नहीं जा पाएंगे। और मैं सोचा था कि मैं गुरदासपुर ब्रांच की आज वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ की वीडियो आप लोगों को बताऊँगी। आप देख सकते हैं कैसा परमेश्वर के भवन में कितना यानी कि भरा हुआ रहता है, जो सारे सेशन होते हैं पंडाल वो भरा हुआ रहता है। तो दूरी मायने नहीं करती है कि खामपरा जलंधर हम जाएं तो ही मतलब आशीष बरकत मिलेगी। हाँ, वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारा वो ऑफिस है, हेड ऑफिस है हमारा खामपरा। तो ब्रांच में भी हम चले जाते हैं क्योंकि जब हम खामपरा नहीं जा पाते फिर हम ब्रांच जाते हैं, तो ऐसे ही हर संडे करते हैं। तो आज पूरा जाने का प्लान था, इतने दिनों बाद मैं ठीक हुई हूँ, प्रभु का धन्यवाद हूँ करती हूँ मैं कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज व्लॉग बनने वाला था, आज वीडियो नहीं बनने वाली थी, आज व्लॉग बनने वाला था। तो व्लॉग मैं आपके शेयर करने वाली थी, ब्रांच पूरी मैं दिखाने वाली थी, गुरदासपुर ब्रांच आपके शेयर करने वाली थी, तो वो तो रह गया। अभी घर पर हम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे अटेंड करनी है मीटिंग। जो ये वाली बड़ी वाली LED है, इस LED में हम ब्लूटूथ लगा के मैकरा जो होता है ना, मेरा कास्ट जो होता है वो हम लगा के पूरा आनंद लेंगे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे हम ब्रांच में बैठे हैं। तो इसलिए ये खुदा ने एक बड़ा गिफ्ट हमें दिया था, तो लॉकडाउन में प्रभु ने हमें ये ब्लेस किया था इस LED के साथ। तो हम आज इस LED में हम मेरा कास्ट लगा कर यानी कि पूरा ऐसा लगेगा जैसे हम गुरदासपुर ब्रांच में बैठे हैं, ऐसे मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। क्योंकि जो जिन्होंने हमें रोका है ना, अभी उनको भी तो जवाब देना है ना, क्योंकि उन्होंने हमें रोका है, चर्च नहीं जाने दिया आज। तो ये लोग ना नहीं कभी भी यानी कि सुधरने वाले, ये जो भी प्रभु के लोग जन होते हैं ना उनको सताते हैं, कहते हैं ना कि अंत के दिनों में शैतान जो हैवी होगा विश्वासियों पर और सताव बढ़ेगा। तो आपने वीडियो में सताव देखा है कैसे पास्टर सेवक संतों के साथ कलीसियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो घर पर भी आपके सताव होता है, घर पर के आस पास के जो मोहल्ले के लोग भी आपके ऊपर दबाव डालते हैं, सताव देना शुरू करते हैं कि ये अपनी प्रार्थना सभा में शामिल ना हो पाए। तो आज हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और प्रार्थना भवन में जाने से हमें रोका गया है। जो प्रभु ने को ब्लेस करे, इन्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दे, प्रभु उन्हें समझाए कि ऐसे कभी किसी को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये हम संडे जो दिन होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हम इस दिन का खास इंतज़ार करते हैं। पास्टर जी आज क्या हो गया? खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, क्या होना, आज घर पर आराधना करेंगे। कोई बात नहीं, अपने ब्लेस किया है 55 इंच की LED से आज। आपको दिखाते हैं जो हमें खुदावन ने गिफ्ट दिया है लॉकडाउन में, आप देख सकते हैं ये LED के साथ खुदावन ने हमें ब्लेस किया था लॉकडाउन में, क्योंकि तब ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, तो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन था, तो फ़ोन में हम खुल के वर्शिप नहीं कर पाते थे, बट यहाँ हम अच्छे से वर्शिप कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आज हम संडे नहीं जा पाए तो हम आपके सामने देख कैसे करते हैं आराधना, आप देखना। परमेश्वर जो
हालेलुया, क्योंकि हमारी सक्सेस में आप सभी के सब Yeah.